वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम क्या थी कैसे आप लोग वहाँ तो बहुत अच्छी हूँ मतलब अच्छी तो नहीं हूँ बट ठीक ठाक हो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है मतलब तो, सच में यहाँ तो हमारे यूपी में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आपके यहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा हाँ <laughs> तो बहुत टाइम बाद में वाली वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज मेरी तबियत ठीक नहीं चल रही यूनिवर्स से ही बट नाउ आई एम थोड़ा बहुत ठीक ठाक सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस वीडियो हाँ सो इट इज़ गन बी अनदर स्टडी विद नी वीडियो और कुछ टिप्स भी दूंगी आपको बीच बीच में बिकॉज ऑफ एग्जाम्स बहुत ज़्यादा क्लोज है बहुत ही ज़्यादा क्लोज है थोड़ा तो डर भी लग रहा है बट कोई बात नहीं हो जाएगा सब कुछ, तो कुछ कर ही लेंगे एंड uh, मेरे प्रैक्टिकल्स भी आ रहे हैं सो so, उसकी प्रिपरेशन मैं करूँगी सो लेट वीडियो हाँ तो आज था सैटरडे और मुझे वीकेंड पे इंग्लिश हिंदी और आईटी ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं क्योंकि पूरे वीक में मुझे टाइम ही नहीं मिलता इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए तो मैं सोच रही थी मैं इंग्लिश का एक बार पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से सो so, यहाँ पे मैंने अपनी किट रख ली थी जिसमें मेरे पेंस थे स्टिकी नोट्स थी हाइलाइटर वगैरह सब कुछ और मैंने अपनी एग्ज़ाम आइडिया और मेरे क्वेश्चन बैंक रखा था मैंने वो ले लिया एग्ज़ाम आइडिया से मैं पढ़ती हूँ इंग्लिश क्योंकि उसमें ना समरी होती है सब कुछ होता है पोइटिक डिवाइसेस वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन होता है ना मैं एग्ज़ाम आइडिया से इंग्लिश पढ़ती हूँ तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट करा था अपना पोम्स से मैं सोच रही थी कि मैं एटलीस्ट सारी पोम्स तो कम्प्लीट कर ही लूँ और फिर मैं बस लग गई मुझे मैंने टाइमर भी सेट कर दिया था फोन में से दो घंटे का कि दो घंटे में मेरे को सारा सिलेबस कवर करना है बट हो नहीं पाया इतना <coughs> यहाँ पे मैं पढ़ रही थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स वाली जो पोम है ना वो वाली कर रही थी मैं यहाँ पे थी। मैं लाएं पर कम्प्लीट मैं लाइन बाय लाइन पहले समढ़ी पढ़ती हूँ एंड देन मैं क्वेश्चन आंसर्स रीड करती हूँ मैं लिख के नहीं देख रही थी ज़्यादा क्योंकि एक बार मेरे प्री बोर्ड हो चुके हैं तो उस टाइम मैंने सब कुछ कर लिया था आई एम जस्ट रिवाइजिंग हेयर तो यहाँ पर मैं पढ़ी थी ओके फिर मेरा पता क्या हुआ था मैं कर रही थी मेरा आ, बहुत सारी पॉम्स मैंने कंप्लीट कर दी थी इनफैक्ट सारी पॉम्स मेरी कंप्लीट हो गई थी एंड स्टार्टिंग के मेरे एनी फ्रेंड तक का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था एंड यहाँ पे मेरा हो गया था मैं लगाऊंगी टिक बिकॉज मैं अपनी जो तो टू डू लिस्ट है ना उसमें टिक लगा देती हूँ जो चीज़ें जो मेरी होती रहती है पहले मैंने बुक में मार्किंग कर दी कि ये ये भी हो गया 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 एंड ये yes, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी ये कि फाइनली मैंने कर लिया मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था दो घंटे से बट डिस्टर मैंने कर लिया और ये वाले चैप्टर्स भी मैंने कर लिए थे मैंने लिख के नहीं देखे थे आई जस्ट रीड आउट एंड फिर मैं अपने टू डू लिस्ट में करा मार्क क्योंकि जब मेरा हो जाता है तो मैं मार्क कर लेती हूँ उससे मुझे लगता है कि हाँ चलो कुछ तो हुआ इससे मेरे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है एंड अब मैं पढ़ूँगी मैथ्स नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मैथ्स अब देख भी सकते हो मुझे ट्राइंगल्स पढ़ना था एन करनी थी मुझे ट्राइंगल्स की सो अभी मैं पढ़ूँगी मैथ्स ही है तो मैं पढ़ रही थी यहाँ पे फ़ोन की हेल्प से क्योंकि मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ आई एम लिटिल बिट वीक और हम कह सकते हैं मैं ज़्यादा ही वीक हूँ मैथ्स में बट कोई बात नहीं पे आपने थोड़ा सा ट्राई कर रही थी ट्राई कर यी थी पढ़ ही रही थी ट्राइंगल्स मैंने पढ़ लिया था मैं थोड़ा सा थक भी गई थी बट स्टिल ओके okay, फिर मैंने मैथ्स पढ़ लिया अपना एंड रात का सीन है ये सब कुछ मतलब मैं रात को बैठ गई थी दोबारा से पढ़ने के लिए मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था फिर मैं सीधा रात को बैठी थी पढ़ने पहले मैंने सोचा था, था मैं ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से क्वेश्चंस करूँगी मैंने करे भी थे एक दो बट मुझसे हुए नहीं एंड फिर मैंने ट्रिगोमेट्रिक एक दो क्वेश्चन करे एंड से हुए नहीं तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब हम पढ़ते हैं एस एस टी क्योंकि एस एस टी में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर मैंने पता नहीं पहले स्टॉप वॉच लगा थे बट मैंने रिकॉर्ड बाद में करा था तो मैं यहाँ पे एस एस टी का वर्ल्ड चैप्टर कर रही थी नेशनलिज्म वाला हमारे इंडिया वाला जो है सेकेंड चैप्टर एस्ट्रिका मैंने वो कम्प्लीट करा एंड देन मैं सो गई मैंने पूरा चैप्टर वो कम्प्लीट करा था एंड देन मैं सो गई थी क्योंकि रात हो रही थी रात को मेरे को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना नहीं होता क्योंकि मेरी आई साइड वीक है ना तो दिक्कत हो जाती है मेरे आईज में पेन हो जाता है तो so, यहाँ पे मैं एग्जाम आइडिया की हेल्प से पढ़ रही हूँ एस भी या मैं हर चीज़ में एग्जाम आइडिया यूज़ कर रही हूँ आजकल पता नहीं कि मुझे ना नाइन से है एग्जाम आइडिया से रीड आउट करने की उससे मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल हुई पड़ी उस वजह से मैं एग्जाम आइडिया से पढ़ती हूँ यहाँ पे मैं चैप्टर के पहले समरी रीड करी थी मैंने बस ऑसवाल क्वेश्चन बैंक का उसमें से मैंने समरी पढ़ी थी एंड देन मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करे थे क्वेश्चन भी रीड ही करे थे थे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख लेती थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे प्री बोर्ड वन हो चुके हैं एंड उसमें मैंने सब कुछ लिख के छिटे के दिखा था सो डट्स ऑल फॉर टू वीडियो थैंक यू